खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एक एनकाउंटर में बदमाश कुलदीप फज्जा को ढेर कर दिया गया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने कुलदीप फज्जा को मार गिराया। रोहिणी सेक्टर 14 में बदमाश के घर में एनकाउंटर किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। दो दिन पहले जीटीबी अस्पताल से ये बड़ा बदमाश फरार हो गया था। दो दिन पहले ही दिल्ली पुलिस दरअसल इस बदमाश कुलदीप फज्जा को मंडोली जेल से मेडिकल जांच के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर आई थी। तभी गोगी गैंग के साथी बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस टीम पर अटैक किया और कुलदीप फज्जा को लेकर फरार हो गए थे। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे रोहिणी के एक घर से ढूंढ निकाला और एनकाउंटर में इस नामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है। 2 लाख का इनामी बदमाश था कुलदीप फज्जा। रोहिणी सेक्टर 14 के तुलसी अपार्टमेंट का D9 ये वही फ्लैट है जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रात में दबिश डाली और यहां छुपे हुए कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप मान अलियास फज्जा को यहां पर मार गिराया। यहां पे जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो उन्होंने कुलदीप को यहां से सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन कुलदीप ने दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस के ऊपर फायरिंग की। इसका जवाब दिल्ली पुलिस ने दिया तो स्पेशल सेल की गोलियों से कुलदीप फज्जा यहां पे घायल हो गया, जिसका अस्पताल ले जाया गया, यहां पे उसकी मौत हो गई। यहां से एक शख्स और जो था जो कुलदीप फज्जा के साथ रह रहा था उसको भी यहां से पकड़ा गया है और एक शख्स जो सेक्टर 13 में रह रहा था जिसका नाम भूपेंद्र बताया जा रहा है उसको भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है और बताया है कि जब कुलदीप फज्जा फरार हुआ था उसके बाद सबसे पहले जो उसकी मदद की थी वो उसी शख्स ने की थी जिसको सेक्टर 13 से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पूरा फिल्मी स्टाइल में जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर पुलिस टीम पर अटैक हुआ था और कुलदीप को साथी बदमाश छुड़ा ले गए थे, लेकिन अब एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस बदमाश को ढेर कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आखिर कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जानते हैं स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा से। सर, किस तरीके पूरा ऑपरेशन हुआ, कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पे टीम जो कुलदीप फज्जा है वो छुपा हुआ था? सोर्स इन्फॉर्मेशन पे हमारे ACP ललित नेगी और हृदय भूषण इनकी टीम यहाँ पर आई थी और यहाँ पर एक फ्लैट के अंदर वो छुपा हुआ था, शरण ले रहा था। जब टीम अंदर गई तो वहाँ पर उसने पुलिस पर फायर किया। सेल्फ डिफेंस में जो फायरिंग हुई उसमें वो इंजर्ड हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए जहाँ वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अभी कार्रवाई चल रही है। सर, क्या पता लगा था कि जिस वक्त वो GTB हॉस्पिटल से भागा है उसके बाद डायरेक्ट यहीं आया या कहीं और भी गया था? अभी ये सारी डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन के रिम्स में बाद में शेयर की जाएंगे। यहाँ पे अकेला था या और भी लोग थे उसके साथ? इस पर अभी कोई और बात नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन की बातें अभी शेयर नहीं कर पाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।